Oh my goodness, India से Bangladesh तक आने के लिए just खर्चा पड़ा 345 rupees. दोस्तों आपको बांग्लादेश घूमना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो को मैं बोलने जा रहा हूँ इंडिया से सबसे सस्ते तरीके से कैसे आप बांग्लादेश जा सकते हो. गाइज मैं अभी कोलकाता में, कोलकाता से सबसे सस्ते तरीके से आप बांग्लादेश जा सकते हो ऑन द रोड. ऑलरेडी मेरा ट्रेन भी आ चुका है, जाते जाते मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा. सबसे कम खर्चे में बांग्लादेश आप कैसे इंडिया से पहुँच सकते हो तो वीडियो पूरा देखना है. मैं जितना जाऊँगा कितना खर्चा होता जाएगा मैं ऐड करता रहूँगा और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा. तो पहले ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ के बाकी इन्फॉर्मेशन चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ. एक्चुअली मैं जा रहा हूँ बांग्लादेश थ्रू द बोंदा बॉर्डर. बोंदा बहुत ही फेमस बॉर्डर है, ये कोलकाता से कुछ दो से ढाई घंटे का डिस्टेंस है फ्रॉम द लोकल ट्रेन. अगर आप बोंदा बॉर्डर से बांग्लादेश जाना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द ट्रेन. तो ट्रेन कहाँ से मिलेगा गाइस, कोलकाता का जो सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट जो ट्रेन स्टेशन है जो है शियालदा. शियालदा से लगातार हर घंटे आपको लोकल ट्रेन मिल जाएगा. लोकल ट्रेन है बोंदा लोकल. और ट्रेन का टिकट का प्राइस पड़ता है सिर्फ 25 रुपये. बट मैं शियालदा स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ा, बीच का एक स्टेशन है जिसका नाम है हृदयपुर बालाशाह, वहाँ से ट्रेन पकड़ा. तो मेरा ट्रेन का प्राइस पर टिकट का प्राइस पर सिर्फ 15 रुपीज़. तो दो से ढाई घंटे के अंदर आप शियालदा से पहुँच सकते हो बोंगाव स्टेशन. मीन्स बोंगाव स्टेशन है बोंगाव बॉर्डर, जहाँ से आपको जाना पड़ेगा पेट्रापोल बेलापोल बॉर्डर. तो दोस्तों ऑलरेडी मैं पहुँच गया हूँ बोंगा जंक्शन. ये अंतिम स्टेशन है, लास्ट स्टेशन से इसके बाद ट्रेन आगे नहीं जाता है. सो दिस इज बोंगा जंक्शन, ये लास्ट स्टेशन से इंडिया का एकदम रेलवे का लास्ट स्टेशन से. यहाँ से मुझको ढूंढना पड़ेगा जस्ट लाइक बॉर्डर जाने का एग्जिट कौन सा है. सभी लोग से एक तरफ से निकल रहा है, देख सकते हो ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है. तो यहाँ से बॉर्डर कुछ डिस्टेंस है, मुझको यहाँ से लेना पड़ेगा इधर कैब ऑटो टैक्सी कुछ भी लेना पड़ेगा. तो क्या मुझको मिलता है यहाँ से, दैट आई नीड टू चेक इट आउट. तो चलिए स्टेशन से बाहर देखते हैं, पहुँचते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं कैसे यहाँ से शॉर्टकट जल्दी से बॉर्डर में पहुँच सकता हूँ. तो ये मैं आ चुका हूँ बाहर फ्रॉम द स्टेशन. नाउ आई हैव टू गेट वन लोकल ट्रांसपोर्ट टू रीच द बोंगा बॉर्डर. यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोकल ट्रांसपोर्ट है, ऑटो है, टोटो है, आई हैव टू कैच एनी वन ऑफ दैट. तो पहले थोड़ा सा पूछताछ कर लेते हैं किससे मैं बॉर्डर पहुँच सकता हूँ. आई थिंक बेटर होगा ऑटो, ऑटो तो जल्दी भी जाता है, CNG ऑटो है, पूछ लेते हैं बॉर्डर जाओ ऑटो. हाँ हाँ चलो ओके गाइस, ऑलरेडी आई गॉट सम कंपेनियन टू रीच बॉर्डर. यहाँ पर चलिए मिल जाएगा, ये है बॉर्डर जाने का ऑटो का लाइन. तो ऑटो में चढ़ते उसके बाद पूछते हैं इसका भाड़ा कितना है. तो जनाब मैं चढ़ चुका हूँ ऑटो में और ऑटो का जो फेयर भाड़ा पड़ रहा है दैट इज़ द 30 रुपीज़ फ्रॉम बोंगाव स्टेशन से सीधा बॉर्डर तक 30 रुपये. और पहले मेरा ट्रेन का टिकट पड़ा 15 रुपीज़, अभी तक मेरा खर्चा हुआ 45 रुपीज़. ये क्रॉस करना है, बट क्रॉस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मुझको करना है, दैट इज़ मुझ मेरा जो करेंसी दैट आई हैव टू एक्सचेंज. तो बहुत सारे दोस्त मुझको पूछते हैं कि करेंसी एक्सचेंज कैसे किया जाए. और बॉर्डर के सामने आपको मिल जाएगा बहुत ऐसे मनी एक्सचेंज काउंटर. तो यह है काउंटर जहाँ से मैं थोड़ा सा रेट भी अच्छा मिल रहा था, तो मैंने यहाँ से मैंने जो मेरा इंडियन करेंसी एक्सचेंज करके मैं बांग्लादेश टाका में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ. तो दोस्तों ये मुझको मिल गया है बांग्लादेश का टाका, देख सकते हो बहुत सारे पैसे. एक्चुअली घूमने के लगता है बहुत सारे पैसे, तो इंडियन करेंसी में अराउंड 10 से 12 हज़ार को मैंने कन्वर्ट कर लिया है इन बांग्लादेश करेंसी. और मुझको जो रेट मिला मीन 100 इंडियन रुपीज़ का एक्सचेंज करने के बाद मुझको मिला 170, मीन्स इंडिया का 100 रुपये, बांग्लादेश का 170 रुपीज़ मिल गया है. तो चलिए सब कुछ मुझको मिल गया, अभी मुझको बॉर्डर क्रॉस करना है. आपको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, दैट इज़ द यू हैव टू फिल अप दिस फॉर्म. ये फॉर्म आपको फिल अप करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं. फॉर्म में एक्चुअली लिखा होता है आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट का नंबर और बोर्डिंग टाइम, फ्लाइट का नंबर है तो आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ, और आपका सिग्नेचर सिर्फ लिखा रहता है इस फॉर्म में. तो ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए. यहाँ पर एक जनाब ने मुझको हेल्प किया टू गेट द फॉर्म एंड हेल्प मी टू राइट इट ऑल दिस स्टफ्स. तो चलिए फाइनली अभी कैमरा पे ऑफ करते हैं बिकॉज अभी इमिग्रेशन में जाना है, बॉर्डर क्रॉस करना है. तो फोन में ही अब बाकी बात होगा, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर से आप लोगों के साथ बात करेंगे विद दिस कैमरा.
तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी बांग्लादेश, और देख सकते हो ये बड़ा इंडियन बॉर्डर है, सभी लोग आगे पीछे जा रहे हैं और मैं अभी इन लोगों के बहुत पीछे पीछे जा रहा हूँ। ये पूरा शूट मैं कर रहा हूँ मोबाइल से, बिकॉज अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं होगा, रिस्क नहीं लेना है। भाई गॉड क्या गजब का ये फ्लैग मार्च था, देखकर तो पूरा जोश आ गया। ये हो रहा था फ्लैग मार्च पूरा जीरो पॉइंट में, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, बेनापोल बॉर्डर में। तो दोस्तों वेलकम इन बांग्लादेश, जस्ट 2 मिनट के अंदर मैं बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके अभी जा रहा हूँ फॉर द बांग्लादेश इमिग्रेशन। दोस्तों अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट द इंडिया बांग्लादेश इमिग्रेशन। एक्चुअली इंडिया बांग्लादेश का इमिग्रेशन बहुत ही ईजी था, ट्रस्ट मी। जस्ट इंडिया इमिग्रेशन में आने से पहले आपको जो फॉर्म दिखा जो फिलअप करना था, द बेसिक कुछ पॉइंट्स वो फिलअप कर दो, उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर में जाओ, वो एक दो सवाल पूछेगा, मीन्स कहाँ जा रहे हो, पर्पस ऑफ द विजिट, कितने बार बांग्लादेश पहले भी गए थे कि नहीं गए थे, बेसिक 2-3 क्वेश्चन दे विल आस्क यू। उसके बाद आप का चलो स्टैम्प ठप्पा लग गया, उसके बाद आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा बांग्लादेश इमिग्रेशन। बांग्लादेश इमिग्रेशन जाने से पहले भी सेम ऐसा एक फॉर्म आपको देगा, खुद से उसको फिलअप करना, उसमें आपको लिखना पड़ेगा आपका नाम, वीज़ा, वीज़ा टाइप, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ योर पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर और बांग्लादेश का एक फ़ोन नंबर। देखो बांग्लादेश का फ़ोन नंबर मीन्स अगर आपको कोई जान पहचान वाला है उसका नंबर आपने दे दिया, अगर नहीं है तो सिंपल कोई टेंशन भरने का चीज़ नहीं, आपका जो होटल का जो बुकिंग में जो होटल का नंबर है होटल नंबर आप लिख सकते हो, और मस्ट यू टेगा बांग्लादेश नंबर। और जो पहले जो बांग्लादेश जा रहे फर्स्ट टाइम अगर बांग्लादेश आप जा रहे हो इंडिया से, तो आपके साथ विद योर पासपोर्ट, पासपोर्ट के साथ एक दूसरा आईडी प्रूफ रखना ही होगा, मीन्स आपका आधार, आपका वोटर कार्ड, किसी का जेरोक्स, ओरिजिनल नहीं जेरोक्स लगेगा। और दोस्तों साथ में एक ज़रूर पेन रखना, मेरे पास पेन नहीं था बिकॉज़ फॉर्म फिलअप करने के लिए उधार लेना पड़ रहा था पेन इससे उससे, सो बेटर टू हैव अ कीप अ पेन। तो सिंपल एक दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं, मीन्स कहाँ पर जा रहे हो, क्या पर्पस, विजिट कितने दिन रहोगे, उसके बाद 2 से 3 मिनट का जस्ट गेम है, उसके बाद फिनिश, लगेज चेकिंग हो गया। तो मोटा मोटा बात है इमिग्रेशन ज़्यादा टेंशन करने का चीज़ नहीं है, फॉर्म फिलअप भी ज़्यादा टेंशन करने का चीज़ नहीं है, जस्ट पेन साथ में रखिए और फ़ोन नंबर साथ में रखिए, मीन्स बांग्लादेश का कोई फ़ोन नंबर साथ में रखिए, बिकॉज वो बांग्लादेश इमिग्रेशन में लिखना पड़ता है। तो दोस्तों मैं कर चुका हूँ बॉर्डर क्रॉस, और ये देख रहे हो ये जस्ट पीछे है बांग्लादेश बॉर्डर, जस्ट 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस आपको मिल जाएगा बस स्टैंड, मीन्स बस स्टैंड जाने के लिए आपको कुछ भी मीन्स ऑटो, रिक्शा, कैब कुछ भी पकड़ने नहीं पड़ेगा, जस्ट लाइक इट्स 1 से 1.5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है बॉर्डर से एकदम लगा हुआ ये स्टैंड, यहाँ से आपको मिल जाएगा पूरा बांग्लादेश कहीं भी जाओ जाने के लिए, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ बसेस। एक्चुअली अभी शाम हो चुका है और मेरा सनग्लास थोड़ा सा ऑड भी लग रहा है, इट्स ओके फाइन। मुझको जाना है बोरीशाल, क्यों मैं बोरीशाल जा रहा हूँ वो आपको बाद में जाते जाते बताऊँगा। तो ये बोरीशाल का बस है, ढाका का बस, आगे पीछे देख रहे हो पूरा बांग्लादेश, कहीं भी जाओ यू विल गेट द कनेक्शन फ्रॉम दिस पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर। तो अभी यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा जैसे बोरीशाल का बस कहाँ से छोड़ता है, कौन सा काउंटर से, टिकट काउंटर, और टिकट का भाड़ा, टिकट का प्राइस भी कितना होता है। तो चलिए दोस्तों ये मैं आ चुका हूँ, दिस इज़ द ब्यूटीफुल बांग्लादेश भैया, ये पीछे सब बस खड़े देख सकते हो। तो मेरा वाला बस कौन सा है चलिए पहले उसको ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत ढूंढने के बाद, थोड़ा सा बार्गेन करने के बाद ऑलरेडी मैंने ले लिया है बस का टिकट, और ये पीछे खड़ा है मेरा बस, दिस इज़ द GM ट्रैवल, GM परिवहन जिसको बांग्ला में बोला जाता है। द मेन इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही ट्रैवल काउंटर मिल जाएगा जहाँ पर बस का बुकिंग होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ेगा। ये लोग बोल रहे थे एक्चुअली 400 फॉर दिस बस, बट मैं थोड़ा सा बार्गेन किया, बार्गेन करने के बाद मुझको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, मीन्स 50 टाका जो बांग्लादेश करेंसी का, और मैंने पे किया 350। तो दोस्तों अभी तक मेरा खर्चा हुआ 350, यहाँ पर 350 एक्चुअली यहाँ का जो करेंसी में इंडिया करेंसी में ये शायद होगा 300 कितना 300 अराउंड होगा ये इंडियन करेंसी में,
और 300 रुपये बस को पकड़ के चली इंडियन करेंसी में, और 15 रुपये मेरा लगा ट्रेन का भाड़ा, और 30 रुपये लगा मेरा ऑटो भाड़ा। तो अभी तक मेरा 350 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ ऑलमोस्ट। अभी थोड़ा सा इंतज़ार, 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर बस छोड़ने वाला है। 7 से 7.5 घंटा ऑलमोस्ट लगेगा टू रीच बोरीशाल फ्रॉम हेयर। देखते हैं बस का जर्नी कितना एक्साइटिंग होता है, कितना बोरिंग होता है, आई डोंट नो। लेट मी एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल बांग्लादेश फ्रॉम द बॉर्डर। चलते चलते 2 से 2.5 घंटे का जर्नी ऑलमोस्ट कर चुके हैं, और बस में एक खास मेहमान के साथ इंट्रोडक्शन हुआ, इसका नाम है आल अमीन। तो आल अमीन भाई से मैं बांग्ला में बात करूंगा। अच्छा প্রশ্ন বাংলাতেই কথা বলছি। আচ্ছা ইনি থাকেন আমার সাথেই এক পাশাপাশি সিটে, আমরা বসেছি। তোমার অ্যাকচুয়ালি বাড়িটা কোথায়? বলছি বরিশালে। এই পেছনে আমাদের বাসটা দেখছো, এই যে বাসটা, ইস বাসে আমরা যা রয়ে আর ইয়াপার রুকে তো থোড়া সা লাঞ্চ ডিনার করনে কে লিয়ে। তো আমিন ভাই নে মুঝকো চায় পিলায়া, ঠিক হ্যায়, কেক কেক খিলওয়ায়া, আর বিস্কুট ভি মেয়ে পয়সা দেনা চাহ রা থা, বাট ইট অ্যালাউ মি টু গিভ। অ্যাকচুয়ালি এই হতে হসপিটালিটি বাংলাদেশ কাজ লোক এসে বহুত প্যারে হতে, অ্যাকচুয়ালি কিসি কো ঝট সে আপনা বানা লেতে। তো আভি বাস থোড়া সা রুকা হুয়া হ্যায়, 15 সে 20 মিনিট কা হম লোক এক থোড়া সা গ্যাপ হ্যায়, তো ইন্তজার কর রহে হ্যায়। দেখ সকতে হো বাহার সবি দে আর ওয়েটিং। ये जोशोर है ना इस जगह का नाम? जोशोर, ये जगह का नाम जोशोर है। बॉर्डर से 2 घंटे बस जर्नी के बाद जोशोर, अभी यहाँ से हम लोग को फाइनली यात्रा शुरू होगा। हम लोग पहुँचेंगे बोरीशाल नॉन स्टॉप। रात को कितने बजे? 3 बजे। 3 PM को, 3 AM को ऑलमोस्ट, सुबह 3 AM को हम, मैं और भाई दोनों पहुँच जाएंगे बोरीशाल। तो दोस्तों एटलस मैं पहुँच गया हूँ बोरीशाल। बोरीशाल है बांग्लादेश का वन ऑफ द गुड सिटीज। बोरीशाल आने का पर्पस क्या है वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, पर पहले थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं बांग्लादेश आने के लिए मेरा ऑलमोस्ट खर्चा कितना पड़ा। अभी रात को कितना बजे है? दैट इज़ रात को इज़ 3 o'clock, 3 बज चुके हैं, और मैं जस्ट घूम रहा हूँ बोरीशाल के एकदम सदर रोड से, रोड के ऊपर। टोटल चलिए घर से कैलकुलेट कर लेते हैं। घर से मैं निकला, ट्रेन पकड़ा, ट्रेन में मेरा भाड़ा लगा सिर्फ 15 रुपीज़। उसके बाद बनगांव जंक्शन से मुझको लेना पड़ा ऑटो, ऑटो में मेरा भाड़ा पड़ा ओनली 30 रुपीज़, हो गया 15 and 30, 45 रुपीज़। उसके बाद मैंने 300 रुपये का, बांग्लादेश करेंसी का तो 350, बट वो अगर इंडियन करेंसी में कॉन्वर्ट करोगे तो वो जाता है 300 रुपये। 300 रुपये का मैंने बस का टिकट ख़रीदा था, बस का टिकट, और ऐसे ही एक बहुत ही अच्छी सा गुड बस AGM, और वो बस से 7-8 घंटे जर्नी करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ बोरीशाल। मीन्स 300 इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करते हैं, 320 और 15, टोटल खर्चा पड़ा 345 रुपीज़ टू रीच बांग्लादेश बोरीशाल। अगर आप एक्चुअली ढाका जाना चाहते हो थोड़ा सा 200-300 रुपये ज़्यादा लगेगा, बट बैरापुल से, बैरापुल बॉर्डर से ऑलमोस्ट सभी कहीं भी आप चाहो जहीं भी आप जा सकते हो, ढाका का भी बस आपको मिल जाएगा, चट्टोग्राम भी आपको बस मिल जाएगा। फॉर द यूट्यूब एक्चुअली आपको बस मिल जाएगा, यू विल गेट द बस। हिंदी बात कर रहा है एक्चुअली फ्रॉम इंडिया, इंडिया। ओ माई गुडनेस, इंडिया से बांग्लादेश तक आने के लिए जस्ट खर्चा पड़ा 345 रुपीज़। तो सोचिए इतना सस्ता, इतना सस्ता मतलब मीन्स 345 रुपये में एक इंटरनेशनल ट्रिप मीन्स आप प्लान कर सकते हो, ये तो मीन्स बढ़िया बात है, मैंने भी नहीं सोचा था, बट इट्स गुड, इट्स वेरी इकोनॉमिक। अगर आप ढाका जा सक जाना चाहते थे अगर बैरापुल से, बैरापुल बॉर्डर से 200-300 रुपये ज़्यादा लगता, बट ऑलमोस्ट 500-700 में मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लीट हो जाता था इंटायर टूर। तो इसके ऑल द थिंग्स अबाउट द इंडिया टू बोरीशाल आने का फॉर्मेलिटीज़ प्रोसेस, क्या ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट फॉर्म दैट टूरिस्ट शुड एवेल इट, एक टूरिस्ट को ये एवेल करना चाहिए अगर आप बांग्लादेश आने चाह रहे हो। सो यहाँ से मुझको जाना है एक फाइनेस्ट प्लेस में, वो जगह है खोला जिसको बोला जाता है क्वींस आइलैंड 2, जो इस देश का, बांग्लादेश का सबसे बड़ा आइलैंड वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो सोच सकते हैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड ऑल्सो। तो
ये वाला वीडियो मैं कैसे बोरिशल से भोला मतलब भोला क्वींस आइलैंड पहुंचता हूँ वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग टू में। तो दोस्तों इस वीडियो देख कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्या बोलूँ, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया, दैट कैन हेल्प यू आउट टू जस्ट लाइक मेक योर जर्नी टू मच कम्फर्टेबल। अगर वीडियो को अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।